नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैं हूँ शेफ पीयूष दुबे। आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में गुड़ के गुलाब जामुन। बहुत ही गजब की रेसिपी। चलिए आप लोग बताते हैं गुड़ के गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉर्न फ्लोर चाहिए, मावा चाहिए और गुड़ चाहिए। तो आप चलिए हम बनाते हैं। और ये देखिए मावा हमने जो लिया है वो 500 ग्राम लिया है। इसको मैश कर ली तो 75 ग्राम इसमें हमने कॉर्न फ्लोर लिया है, ये देखिए। और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। जैसे हम आटा लगाते हैं इस तरीके से अच्छे से लगा लेना है, इसका डो तैयार कर लेना है। और ये हमारा डो तैयार हो चुका है। हम देखिए ये डो तैयार है बस। और बनाएंगे वो हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए करीब करीब हमने 800 ग्राम गुड़ लिया है और इसमें करीब करीब 300 ग्राम पानी डाल देंगे। गुड़ की चाशनी बनाएंगे और गुड़ के गुलाब जामुन है तो चाशनी गुड़ की ही बनेगी। ये देखिए चाशनी को बनने देते हैं, पूरा गुड़ मेल्ट होने देते हैं। उसके बाद में हम ये देखिए ये पूरा मेल्ट हो चुका है, हमारी चाशनी रेडी हो गई है। ये चाशनी रेडी है बस अब हमारे लिए। ये देखिए चाशनी रेडी हो गई। अब चलिए हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। बस नॉर्मल होने चाहिए, एक तार की भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए। अगर एक तार की होगी तो हार्ड हो जाएगी कड़क। तो चलिए ये चाशनी है देखिए एक तार से कम हल्का है, तो बस इस तरीके से होने चाहिए, पूरा तार नहीं बननी चाहिए इसमें। और ये देखिए चाशनी रेडी। ये हमने लोई तोड़ ली है, हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। गुड़ का गुलाब जामुन बहुत ही गजब की रेसिपी और बहुत अच्छी रेसिपी है। आप चाहो तो इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं। हमने कॉर्नफ्लोर और ये लिया था सिर्फ, और कुछ नहीं डाला इसके अंदर, हमने कोई मिक्सिंग नहीं की है। और ये हमारा गुलाब जामुन इस तरीके से सारा गोल कर लेंगे। उसके बाद चलिए हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए आप तेल, घी या वनस्पति घी कुछ भी ले सकते हैं। चलिए हमने गोल करके डाल दिए। नॉर्मल कढ़ाई में डालना है, ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए। ज़्यादा गर्म होगी तो आपका गुलाब जामुन कच्चा रह जाएगा। ये देखिए इसको कढ़ाई को घुमा रहे हैं। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन इस तरीके से हो गए हैं। बस हम निकाल लेते हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। बस निकाल के हम चाशनी में डालेंगे। इसके बाद ये बस थोड़ा कलर और आ गया, कलर आ गया है, हम निकाल लेते हैं, चाशनी में डीप कर देते हैं। ये देखिए चाशनी पूरी हमने गुलाब जामुन डाला, इसको पड़ा रहने देते हैं। और ये बहुत जल्दी चाशनी देखे आधा डूब गया है, आधा और डूब जाएगा अभी। ये हमारा गुलाब जामुन रेडी। इस तरीके से हमें गुड़ का गुलाब जामुन रेडी कर लेना है। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं गुड़ का गुलाब जामुन। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। और हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर करना। और आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोग अपडेट मिल जाएगा। और आप लोग लिंक दे दूंगा सेव भाजी की, 5 प्रकार की ग्रेवी, येलो ग्रेवी, चौम मसाला, पंजाबी ग्रेवी, पंजाबी मखनी ग्रेवी, देख लेना। और सेव भाजी पंजाबी ग्रेवी देखना मत भूलना, जरूर देख लेना। और समर्थ वाले चैनल की लिंक मिल जाएगी, जाकर चेक कर लेना। अभी अभी हमने नाम चेंज करा है उसका, फूड गेमिंग, तो आप लोग जाकर देख लेना उस पर बहुत ही। और चलिए बहुत सारी रेसिपी हैं तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना। फूड गेमिंग बोले तो हमारा ही चैनल।